अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। कैसे हैं व्यूअर्स, उम्मीद है ठीक ठाक होंगी। तो ये देखें, गर्मियों की ख़ूबसूरत विंका जो हैं वो मेरे गार्डन में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरत खिल रहे हैं। कितना प्यारा कलर है इसका, पिंक और एक है ये वाइट। तो ये दो मेरे पास है देसी वैरायटी, और मैंने हाइब्रिड सीड्स अभी ग्रो किए हैं और उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह जर्मिनेशन जो है उसके स्टार्ट हो गई है। इसी तरह यहाँ देखें, ये आप देख सकते हैं कैप्सिकम मेरी रेडी हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें बड्स बन रहे हैं और ये टमाटर भी मेरे। तो जो आज का टॉपिक है वो ये है कि मैं आज आपके साथ जो शेयर करूँगी वो मेरा ये अंजीर का प्लांट है जिसको मैंने विंटर में हार्पून किया था। ये देखें, यहाँ से मैंने इसकी ब्रांचेस काट दी थी विंटर में, क्योंकि विंटर में ये ज़रा डोरमेंट में चला जाता है। तो अब चूँकि इसका ग्रोइंग पीरियड शुरू हो चुका है, तो देखें अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने ब्रांचेस कटिंग की थी, हार्पून किया था, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से देखें नई नई ब्रांचेज इसमें से निकल रही हैं और अल्हम्दुलिल्लाह फ्रूट्स भी बहुत लग रहे हैं। तो ये देखें आप, यहाँ नीचे से भी बहुत सी ब्रांचेस निकली हैं और देखें आप इसके ऊपर अंजीर भी देख सकते हैं। दूसरा प्लांट मेरा शहतूत का था, ये देखें, इसको एक दफ़ा मैंने हार्ट प्रून किया था और आपसे शेयर किया था। मैंने सेकंड टाइम भी इसको हार्ट प्रून कर दिया है, उसकी कटिंग्स लगा ली है ताकि नए प्लांट्स में तैयार कर सकूं। और जो फर्स्ट टाइम मैंने इसको हार्ट प्रून किया था उसकी कटिंग्स जो मैंने लगाई थी, अल्हम्दुलिल्लाह कटिंग्स मेरी सक्सेसफुल रही हैं, वो जो मैं आपसे शेयर करूँगी। तो ये जो कटिंग्स हैं, ये वो कटिंग्स हैं जो मैंने फ़र्स्ट टाइम अपने शहतूत के प्लांट की हार्ट प्रून की थी और वो अल्हम्दुलिल्लाह देखें अब ये कामयाब हो गई हैं। इसमें दो प्लांट्स जो हैं, तीन प्लांट्स बल्कि, वो तैयार हो गए हैं, आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जो आज मैंने हार्ट प्रून किया है उसकी कटिंग्स भी मैंने लगा दी हैं। सेकंड टाइम हार्ट प्रून करने का मकसद सिर्फ ये था कि मैं तबीयत ख़राबी की वजह से कुछ दिन पानी नहीं दे पाई थी प्लांट्स को। तो क्या हुआ था कि मेरा जो तमाम जो नए लीव्स जो आए थे फ़र्स्ट टाइम जो मैंने हार्ट प्रून करने के बाद जो नए लीव्स आए थे वो बिल्कुल ड्राई हो गए थे और मेरा प्लांट बिल्कुल ड्राई हो गया था। तो मैंने वो तमाम जो ब्रांचेस थी वो उसको काट कर फिर मैंने इसको दोबारा से देखे ग्रो कर लिया है। अब इसमें से कितनी कटिंग्स जो हैं कामयाब होती हैं और फिर मैं इसको एज अ कटिंग मैंने इसको ग्रो किया है अपने दोस्तों के लिए। इंशाल्लाह देखते हैं कि कितनी कटिंग्स इसमें कामयाब होती हैं, उसके बाद फिर मैं अपने दोस्तों को गिफ्ट करूँगी। देखते हैं कौन कितनी कटिंग होती हैं और कितनी दोस्तों के नसीब में ही होती हैं। इसी तरह एक और प्लांट को आज हार्ट प्रून किया है जिसकी हाइट मेरी हाइट से भी ज़्यादा डबल हो गई है। तो मैं आपसे शेयर करवा रही हूँ आज चंपा का प्लांट। देखिए ये है मेरा चंपा का प्लांट और इसकी मैंने कुछ हार्ट प्रूनिंग कर ली है और ये देखिए ये इसकी ये सारी इसकी कटिंग है, कितनी लंबी है। इसको मैंने हाफ प्रून कर लिया है, ये देखें ये तीन। अभी मैं आपको इसको असल इसका जो हाइट है वो दिखाती हूँ, क्योंकि एक ब्रांच मैंने छोड़ दी है आप लोगों को दिखाने के लिए। तो चले मैं आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले ये 12 इंच का जो मेरा पॉट है वो यहाँ से मैं शुरू करूँगी, तो आप इसकी हाइट देखें, ये यहाँ से प्रून हो चुका है। और अब यहाँ से आप देखें ये कहाँ तक जा रहे हैं, ये देखें ये बिल्कुल झुक गया है, बी शेप हो गया है। और यहाँ से आप देखें इतना ऊंचा हो गया है, ये कोई 12 फिट ऊपर हो गया है इस छोटे से 12 इंच के पॉट में। तो देखिए इस छोटे से पॉट में आज हमने एक चीज़ देखी थी कि छोटे से पॉट में चंपा का प्लांट जो है वो ग्रो करता है। ये देखें इसमें तीन ब्रांचेज हैं और मैं इसको हार्ट प्रून करने वाली हूँ। तो चलें इसको हार्ट प्रून करते हैं। अब यहाँ से मैं इसको फिर आपसे मैं मिलती हूँ, तो बने रहिएगा मेरे साथ। और ये भी मैं ग्रो करने वाली हूँ अपने फ्रेंड्स के लिए। जब इसको हार्ट प्रून करते हैं दोस्तों, तो यहाँ से इसका देखिए ये थोड़ा सा मिल्की मिल्की सा निकलता है यहाँ से। तो हमें एक दिन के लिए, एक या दो दिन के लिए इसकी ब्रांचेस को शेड में ड्राई करना पड़ता है। तो ये तो तीन मैंने ब्रांचेस काट ली जो मैंने आपको दिखाई। अब ये एक जो ब्रांच हैं ये मैं कट करती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने इसको हार्ड प्रून कर लिया है और अब ये बिल्कुल इक्वल शेप में आ गया है। ये देखें ये तीन के पहले कट की थी और ये अब मैंने सबसे बड़ी जो ब्रांच थी वो कट कर ली है, ये वो रही, देखें कितनी लंबी है ये। और अब मैं इसको एक दिन के लिए ड्राई करूँगी, उसके बाद मैं इसकी छोटी छोटी कटिंग्स या बड़ी कटिंग भी आराम से लग जाती हैं। तो एक दिन के बाद मैं इसको फिर लगा लूँगी और अपने फ्रेंड्स में इसको गिफ्ट कर लूँगी।
तो आप भी इसी तरह कीजिए, एक प्लांट नर्सरी से लाइए और उसकी बहुत से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो गार्डनिंग जितना सस्ता शौक है उतना महंगा भी है, लेकिन सस्ता इस तरह कि आप प्लांट्स एक लाएं और तजुर्बात कर कर के फिर इसको मज़ीद बढ़ाते चले जाएं और गार्डनिंग का शौक़ भी पूरा करें। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, एक प्लांट नर्सरी से लाती हूँ और फिर इसको मैं मल्टीप्लाई करती रहती हूँ, फिर एक से ज़्यादा मेरे पास हो जाते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाऊँ, तो ये देखें मेरे पास दो, एक प्लांट मैं नर्सरी से लाई थी और ये देखें मैंने कितने सारे, ये मैं आपको बताती हूँ, ये मैंने कटिंग लगाई थी, इसको भी मैंने प्रून कर दिया था, यहाँ तक प्रून किया। उसके बाद जो ये इसकी कटिंग्स हैं, ये बाकी की जो कटिंग्स हैं, एक, ये दो और ये तीन, ये कटिंग्स मैंने दो दिन ड्राई होने के बाद इसमें लगा दी हैं। तो अब मज़ीद मुझे एक प्लांट के साथ ये तीन मज़ीद प्लांट मिल जाएंगे। तो इसी प्लांट की कटिंग जो थी मैंने लगाई थी, ये इसका मदर प्लांट है, इसकी मैंने आपके सामने हाथ प्रूनिंग की है और फिर ये कटिंग जो है उसकी मैंने लगाई थी, और उसी कटिंग से फिर आज मैंने दोबारा से तीन कटिंग्स लगाई हैं। तो आप भी इसी तरह कर सकते हैं, अपने गार्डन में इस तरह के एक्सपेरिमेंट करें, कामयाब हो जाएं और फिर अपने दोस्तों में प्लांट्स को गिफ्ट भी करें, अच्छा लगता है ना। तो ये शौक़ नहीं है तो प्लीज़ इस शौक़ को पालें अपने अंदर, ये बहुत अच्छा शौक़ है। तो उम्मीद है आपको मेरी ये शेयरिंग पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो मेरी शेयरिंग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हो सके तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़, हैप्पी गार्डनिंग, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।